जब गवर्नमेंट द्वारा एक भर्ती आयोजित की जाती है ना, तो उसमें लाखों आवेदन किए जाते हैं, और लाखों आवेदन में से लेना कितने को होता है, मात्र 1.5%, 2%, मुश्किल से 3 के अंडर में सिलेक्शन होता है। अब उस भर्ती में तैयारी सारे करके जाते हैं, साला सिलेबस का रट्टा मार के जाते हैं, मां बहन कर देते हैं, सब अपनी अपनी तोपे रिलोड करके जाते हैं, पर गोला वहां कौन दागता है, जो इन फ्रेशर्स को हैंडल करता है, जो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, जो आक्रेशिया, अभी नया वर्ड सुना आपने आक्रेशिया, टेंशन ना करो, इस वीडियो में पूरा गेम ही आक्रेशिया का है, पूरा सब कुछ कंसेप्ट ही आक्रेशिया का है। जो इस आक्रेशिया को अपने माइंड पर हावी नहीं होने देगा, वो आराम से एग्जाम क्लियर कर जाएगा। एक बात और बता दूं मैं, आप ऐसा कोई स्टूडेंट वहां जाता नहीं है जिसने पूरा सिलेबस पढ़ाना हो, लेकिन ये जो आक्रेशिया है ये कम कर देता है उसकी मात्रा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो को, सबसे पहले होता है दोस्तों सिंपल कंसेप्ट टू हार्ड कंसेप्ट। आप सिंपल कंसेप्ट से स्टार्ट करें, जो आपको सबसे पहले आता है उसको करें, उसके सबसे लास्ट में उन क्वेश्चंस को रखें जिन पे आपको माइंड में डिस्कशन चल रहा है, उनको सबसे लास्ट में रखें एज ए टाइम डाइवर्ट, आराम से आप ना कर लोगे। तो ना तो आपका ये पहला कंपटीशन है और ना ही आपका ये लास्ट कंपटीशन है, कभी भी ये मान के ना दे इस पेपर के बाद आपका कोई पेपर नहीं होने वाला। यहीं से होता है डिप्रेस्ड का काम स्टार्ट, क्योंकि आप जब तक ये चीजें बिल्कुल मत सोचो, आप ये सोच के चलो कि मैं इस कंपटीशन को देने आया हूं और मैं पढ़ के आया हूं, सारी तैयारियां करके आऊं, मैं इसको इजीली कर लूंगा। अगर आपने ये मान लिया ना कि साला इस कंपटीशन में क्या होना है क्या नहीं होना, दोस्त सबसे पहले एक रीजन तो ये तैयार कर दोगे आप डिप्रेस्ड का। अब है दोस्तों आक्रेशिया की बारी, कि आक्रेशिया आखिर व्हाट इज आक्रेशिया। कभी एग्जाम हॉल में बैठे हो आप, अगर आप में से कोई एग्जाम हॉल में बैठे होंगे वो लोग इसको समझ जाएंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो ना, साला 40 कदम दूर जो घड़ी लगी होती ना दीवार पे, उसकी टक टक की आवाज भी कानों में सुनाई देती, ये होता आक्रेशिया। उस एग्जाम हॉल का प्रेशर, उस शांति का प्रेशर जो होता ना, ये होता आक्रेशिया। घर वाले क्या कहेंगे, पेपर मेरे फेवर में रहेगा कि नहीं रहेगा, सिंपल आएगा हार्ड आएगा, अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ तो दोस्तों को क्या बोलूंगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, माँ बाप को क्या बोलूंगा, कैसे क्या कर पाऊंगा, ये होता है दोस्तों आक्रेशिया। याक्रेशिया अगर आपने अपने माइंड पर हावी होने दे दिया ना, तो जो आपको आता है ना गुरु, उसमें भी रद्द हो जाओगे, जो आता है उसको भी भुला जाओगे, क्योंकि जो आक्रेशिया ना, ये साला आपके कॉन्फिडेंस, आपके विश्वास को ना डगमगा देगा। अच्छे अच्छों का डगमगा जाता है वहां। अगर आप दिया ना कंपटीशन, तो आराम से इस प्रेशर को अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, फील्स। दोस्तों इन सब चीजों के मैं आपको एक ही टिप्स दूंगा, कि आप जब बैठो ना, बिल्कुल भी इन चीज का प्रेशर अपने माइंड पे ना रखें। माइंड इज ए फ्रेश, नेचुरल तरीके से दो, बिल्कुल कोई सोचना नहीं, साला सारा सोचना उस एग्जाम सेंटर के बाहर भी हो जाएगा और उसके घुसने से पहले भी हो जाएगा, लेकिन उस 2.5 से 3 घंटे के बीच में आपको कुछ नहीं सोचना। आक्रेशिया को अगर आपने हावी नहीं होने दिया ना, मेरी गारंटी है दोस्त, मैं खुद कंपटीशन दिया हूं इसलिए कह रहा हूं, आक्रेशिया का खुद शिकार जो आदमी हो सकता है ना, वो आपको अच्छे से समझा सकता है। इसको जब तक डाइवर्ट नहीं करेंगे अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जब आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो तो नॉर्मल सी बात है कन्फ्यूजन स्टार्ट होते हैं, और ये सब कन्फ्यूजन आक्रेशिया का काम है। तो मेरा कुल मिला के बात यही है कि आप आक्रेशिया को बस आक्रेशिया के तरीके से देखें। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप ना बिल्कुल नॉर ए फ्रेश, फ्रेशर बिल्कुल ना लें, एज ए नेचुरल तरीके से, बिल्कुल उस तरीके से पेपर दें। अगर इस तरीके से करोगे ना, तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूं आप कर लोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में।